वेलकम माय मैथमेटिशियंस टू टुडे सेशन। बच्चों आज हम करने वाले हैं आरएस अग्रवाल के बचे हुए क्वेश्चंस, बिकॉज एक बार तो हमने कर लिए क्वेश्चंस, अब कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, तीन एक्सरसाइजेस, सो वी विल डू दैट। ठीक है, सो रेडी ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। यस, आई एम नॉट लाइव इन दिस सेशन फॉर सम रीजन्स, बट डोंट वरी, टुमारो आई विल कम बैक लाइव ऑल्सो। सो बट पढ़ाई तो चलती रहनी चाहिए, राइट बच्चों? सो करनी है क्वेश्चंस, साथ में करेंगे, क्योंकि टफ क्वेश्चंस भी हैं, इजी क्वेश्चंस भी हैं आर एस अग्रवाल में, तो सारे क्वेश्चंस करने जरूरी हैं। चलो मिलके करते हैं, ठीक है? ओके, सो व्हाट शुड बी द लाइक टारगेट ऑफ टुडे सेशन? वेल, द लाइक टारगेट शुड बी 90। चलो 90 लाइक्स का दिया आपको टारगेट, अचीव जरूर करना, चेक करूंगी मैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विद आवर टैगलाइन, आब्रकडाब्रा गिली गिली चू, मैथमेटिक्स इजीएस्ट बन जा तू। ओके, चो विल डू आर एस अग्रवाल क्वेश्चंस, आपको भी थोड़ा सा टाइम दूंगी सॉल्व करने का, फिर उसके बाद मैं सॉल्व करके बताऊंगी आपको सारे क्वेश्चंस। चलो, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, रफीक एक्सरसाइज फॉर 2/3 ऑफ एन आवर while Rohit exercised for 3/4 of an hour, who exercised for a longer time? Comparison का question है, fraction, comparison, compare करो और answer बताओ, did exercise for a longer time? किसने ज्यादा calories burn किए? 2/3 is greater or 3/4 is greater? पहले like fractions में convert करो, फिर answer find out करो। चलो, सो कर लिया, अब मैं बताऊं, आंसर सॉल्व करो। ओके, सो इट इज गिवन दैट रफीक एक्सरसाइज फॉर हाउ मच? 2/3 ऑफ एन आर, एंड रोहित एक्सरसाइज फॉर हाउ मच? 3/4 ऑफ एन आर। अब 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 12। सो वी विल कन्वर्ट देम इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर 12। सो 3 4s are 12, 2 4s are 8, एंड 3 3s are 9, 4 3s are 12। अब 8 by 12 इज ग्रेटर और 9 by 12, सिंस 9 by 12 इज ग्रेटर देन 8 by 12, दिस इम्प्लाइज दैट 3 by 4 इज ग्रेटर देन 2 by 3, दिस इम्प्लाइज दैट रोहित एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्गर टाइम, फॉर अ लॉन्गर टाइम। ठीक है, सो रोहित एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्गर टाइम, ये होगा हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल था, राइट गाइज? एंड यस, बिफोर मूविंग ऑन, ऑल माई न्यू स्टूडेंट्स पे अटेंशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू गाइज। बच्चों, जैसे आप मेरे साथ यहाँ यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे मैथ्स की पढ़ाई करते हो, वैसे ही इससे भी ज्यादा मस्ती के साथ, इससे भी ज्यादा अमेजिंग वे में आप वेदांतु के ऐप पर पढ़ाई कर सकते हो। ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, ऑल दीज सब्जेक्ट्स ऑन द वेदांतु ऐप एंड सोशल साइंस ऑल्सो, विथ अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग इन एवरी सेशन, नोट्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, ऑल द चैप्टर्स, टेस्ट सीरीज एंड असाइनमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ लाइव क्विजेस एंड ओलंपियाड प्रिपरेशन ऑल्सो, एंड ऑल ऑफ दिस एट द शेड्यूल यू चूज एंड एट योर ओन चॉइस ऑफ लैंग्वेज। तो ये सब कुछ आपको मिल सकता है इन वन सब्सक्रिप्शन इटसेल्फ कॉल्ड एज वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन, जिसे सब्सक्राइब करने के लिए लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक, अ वेबसाइट विल ओपन, वहां पे आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करने बोलेगा, फिर बोर्ड सेलेक्ट करने बोलेगा, सारी डिटेल्स आपको वहां पे लिखे हुए मिल जाएंगी, और जब आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे, लॉग इन करने बोलेगा, लॉग इन करने के बाद आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। बेसिकली आप पूरा कोर्स चाहो तो 1 मंथ के लिए बाय कर सकते हो, चाहो तो 3 मंथ्स के लिए, या फिर चाहो तो 6 मंथ्स के लिए। सो यू कैन गो फॉर एनी ऑफ द 3 ऑप्शंस, एंड व्हेन यू आर डूइंग द पेमेंट, अगर आप कूपन कोड एंटर करोगे SKPRO का, तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा बच्चों। सो गो फॉर इट एंड हैव द बेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग। ओके गाइज, चलो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। अगेन कंपेरिजन का क्वेश्चन है, पहले कंपेयर करो फिर अरेंज करो इन द असेंडिंग ऑर्डर। चलो आप लोग सॉल्व करो। असेंडिंग ऑर्डर में लाने के लिए पहले आपको बनाना होगा लाइक फ्रैक्शंस, कन्वर्ट देम इनटू लाइक फ्रैक्शंस।
चलो कम ऑन, कन्वर्ट देम इनटू लाइक फ्रैक्शंस एंड देन फाइंड द ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर. डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए? 2, 4, 6, 8. एलसीएम क्या होगा? चलो अब मैं सॉल्व करके बताऊं. सो 2, 4, 6 एंड 8 का एलसीएम होता है 24. सो हम कन्वर्ट करेंगे चारों फ्रैक्शंस को विथ डिनोमिनेटर 24. सो 1/2 विल बी 12/4 बिकॉज 2 into 12 is 24, 1 into 12 is 12. नेक्स्ट 3/4 को 24 बनाना है. सो 4, 6 are 24, दैट इज वाई 3 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. 6 4s are 24, 5 4s are 20, 8 3s are 24 and 7 3s are 21. सो हमने चारों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कॉमन बना दिया, लाइक फ्रैक्शन बना दिया. अब कंपैरिजन कर लो, 12, 18, 20 और 21. सबसे छोटा क्या होता है? 12, फिर 18, फिर 20, फिर 21. अब 12 by 24 is what? 1/2. 18 by 24 is what? 3/4. 20 by 24 is 5 by 6 and 21 by 24 is 7 by 8. So the correct order is this for ascending order. Easy hai? Ban jayega na? Chalo, next question. Find the sum of these fractions. Charo fractions ko add karna hai. Mixed fraction diya hai. Pehle mixed fraction ko improper mein convert karo aur fir add karo. Chalo, come on people. Add these fractions. 2/3 + 3 1/6 + 4 2/9 + 2 5/18. Solve and tell the answer. Denominators ka LCM find out karo, kitna aega LCM. Chalo, let's see now. So the fraction was 2/3 + 3 1/6. पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो. सो 2/3 विल रिमेन एज 2/3. 6 3s are 18, 18 + 1 19 upon 6. 9 4s are 36, 36 + 2 38 upon 9. प्लस 18 2s are 36 and 18 2s are 36, 36 + 5 is 41. सो 41 upon 18. अब इनका एलसीएम क्या होगा? 18 होगा बिकॉज 18 तीनों के टेबल में आता है, 3, 6 और 9. सो 18 होगा एलसीएम. सो हमें 2/3 को कन्वर्ट करना होगा इनटू अ फ्रैक्शन हैविंग 18 एज द डिनोमिनेटर. तो ये बन जाएगा 3, 6 are 18, 2, 6 are 12. सो इट विल बिकम 12/18. सिमिलरली 19 अपॉन 6 को हम कन्वर्ट करेंगे तो बन जाएगा 6 3s are 18 and 19 3s are 57. एंड नेक्स्ट इज 38/9. 9 2s are 18, 38 2s are 76. और लास्ट वाला तो विल रिमेन एज इट इज 41/18 बिकॉज डिनोमिनेटर 18 ही है. अब करो ऐड. सो जब हम ऐड करेंगे 12 + 57 + 76 + 41 upon 18 विल बी व्हाट? इट विल बी 186/18. अब 186/18 को आप लोएस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो. आंसर आएगा आपका 31/3. सो दिस इज योर आंसर. 31/3 इज द आंसर. गॉट इट? चल नेक्स्ट क्वेश्चन है. रोहित बॉट अ पेंसिल फॉर ₹3 2/5 एंड अ इरेजर फॉर ₹2 7/10. व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ द आर्टिकल्स? एडिशन का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है. सो कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज हाउ मच? कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज हाउ मच? कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज ₹3 2/5. कॉस्ट ऑफ इरेजर इज हाउ मच? कॉस्ट ऑफ इरेजर इज ₹2 7/10. अब आपको एड करना है तो टोटल कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल्स, टोटल कॉस्ट विल बी वॉट? कॉस्ट ऑफ पेंसिल प्लस कॉस्ट ऑफ इरेजर, यानी 3 2/5 + 2 7/10. अब इसको कन्वर्ट कर दो इम प्रॉपर फ्रैक्शन में तो 5 3 15, 15 + 2 17 upon 5.
10 2s are 20, 20 plus 7, 27 upon 10. So this will be 17 2s are 34 plus 27 upon 10. Convert कर दिया इसे denominator 10 में. अब आएगा आंसर आपका 34 plus 27 is 61 upon 10. So the answer is 61 upon 10 rupees is the total cost of the articles. ठीक है, चलो next question. Weight of an empty gas cylinder is 16 4 by 5 kg. And it contains 14 two-third kg of gas. What is the weight of the cylinder filled with gas? एक empty cylinder का weight अगर इतना है और gas का weight अगर इतना है, तो cylinder filled with gas का weight कितना होगा? Addition का question है, multiplication का है, subtraction का है, किसका question है? पहले ये decide करना होगा, word problem है ना? So decide, this is a question of what? वेल यस, बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि ये है एडिशन का क्वेश्चन, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द टोटल वेट ऑफ गैस प्लस सिलेंडर. सो सिंपली वी विल एड. सो वेट ऑफ एम्प्टी सिलेंडर, वेट ऑफ एम्प्टी सिलेंडर इज हाउ मच? इट इज 16 4 by 5 kg. एंड वेट ऑफ gas is how much? Weight of gas is 14 2 by 3 kg. So you will simply find total weight, which is equal to 16 4 by 5 plus 14 2 by 3. Convert them into improper fraction. So you will get 16 5s are 80, 80 plus 4, 84 by 5 plus 44 by 3. LCM कितना आएगा? 15. So हम convert करेंगे, आएगा 252 by 15 plus 220 by 15. So the answer is nothing but 472 upon 15 kg. तो ये होगा आपका आंसर. चाहो तो आप mixed fraction में भी convert कर सकते हो, चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो. दोनों correct है, जरूरी नहीं है mixed fraction में answer निकालना. Okay? ठीक है, वेट निकल जाएगा गैस सिलेंडर का. सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपलीफाई सब्ट्रैक्ट एंड ऐड का क्वेश्चन. तो पहले क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन? पहले क्या किया जाता है, बोर्ड मास क्या कहता है, व्हाट टू डू? वेल यस, बोर्ड मास कहता है कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन का सेम प्रायोरिटी होता है, बट अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो लेफ्ट टू राइट सॉल्व किया जाता है, जिनका भी सेम ऑर्डर होता है. सो 5 बाय 6 माइनस 4 बाय 9 प्लस 2 बाय 3. तो हम एक साथ भी कर सकते हैं. पहले तो 6, 9 और 3 का एलसीएम निकालो. सो एलसीएम ऑफ 6, 9 एंड 3 इज हाउ मच? 18. सो पहले तो हमें कन्वर्ट करना होगा. 5 बाय 6 विल बी 6 3 इज 18, 5 3 इज 15 एंड 4 बाय 9 विल बी 9 2 इज 18, 4 2s are 8 and 2 by 3 will be how much? 3 6 are 18, so 2 6 are 12. तो अब हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 15 minus 8 plus 12 divided by 18. हमने सिंपली क्या किया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला और फिर ऑपरेशन करेंगे अप्लाई. तो 15 minus 8 plus 12 करना है. 15 minus 8 कितना होता है, 7 है ना, 7. So 15 minus 8 is 7, 7 plus 12 upon 18 is how much? So 12 added with 7 will be 19. So the answer will be 19 upon 18. ये है हमारा answer. Simple था, पहले subtract किया फिर add किया और find out कर लिया answer. ठीक है, चलो next question है. What should be added to 9 2 by 3 to get 1919? मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 9 2 by 3 में क्या ऐड करना चाहिए. तो सपोज कर लो x ऐड करना चाहिए टू गेट 19. सो ये एडिशन का क्वेश्चन है या फिर सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है? थिंक, एडिशन क्वेश्चन और सब्ट्रैक्शन. अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन. क्यों? लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे. x विल बी इक्वल टू 19 माइनस 9 2 बाय
थ्री, बिकॉज जब ये इस साइड आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इस साइड एडेड था, चेंज हो जाता है ट्रांसपोजिशन मेथड में. सो एक्स विल बी इक्वल टू 19 अपॉन 1 माइनस 9 थ्री इज 27, 20 प्लस 2 29 अपॉन 3. अब डिनोमिनेटर का एलसीएम आएगा 3, सो 19 इंटू 3 इज 57, 57 माइनस 29 अपॉन 3, 57 माइनस 29 इज 28, सो 28 अपॉन 3. मिक्स फ्रैक्शन में चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो, 3 9 जो 27, बचा रिमाइंडर 1/3, सो द आंसर इज 9 1/3 शुड बी एडेड. ठीक है, सो 9 1/3 शुड बी एडेड टू गेट 19, क्योंकि अब खुद देखो 9 2/3 और 9 1/3 का सम क्या होगा, 9 प्लस 9 18, 2/3 प्लस 1/3 1, तो 18 प्लस 1 19 आ जाएगा. सो 9 1/3 शुड बी एडेड टू 9 2/3 टू गेट 19 एज दी आंसर. ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन है. मिसेस सोनी बॉट 7.5 लीटर्स ऑफ मिल्क, आउट ऑफ दिस मिल्क 5 3/4 लीटर वॉज कंज्यूम्ड, हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट विथ हर. बहुत ही इजी पीजी क्वेश्चन है. अगर मिसेस सोनी ने खरीदा था, सो मिल्क बॉट इज हाउ मच, मिल्क बॉट इज 7.5 लीटर, मिल्क कंज्यूम्ड इज हाउ मच, 5 3/4 लीटर, सो हाउ मच इज लेफ्ट, मिल्क लेफ्ट विल बी इक्वल टू जितना खरीदा था उसमें से जितना यूज कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लो. सो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, 7 2 14, 14 प्लस 1 15 अपॉन 2, 5 4 20, 20 प्लस 3 23 अपॉन 4. अब लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 30, क्योंकि 2 2 4, 15 2 30, 30 माइनस 23 अपॉन 4, 30 माइनस 23 7, सो द आंसर इज 7 अपॉन 4. और अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 4 1 4, बचा 3 लीटर, सो 1 3/4 लीटर्स मिल्क इज लेफ्ट. सो लेफ्ट आउट मिल्क कितना हुआ, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन, बहुत ही इजी है, राइट. चलो अब थोड़े एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस करते हैं, आप लोग आंसर बताना, विल सी कौन पहले बताता है. सो द क्वेश्चन इज, अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 3/5 इज डैश, फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 3/5 इज डैश, 3 प्लस 2 अपॉन 5 प्लस 2, 3 माइनus 2 upon 5 minus 2, 3 into 2 upon 5 into 2, या फिर नन ऑफ दीज. 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं इन तीनों में से, या फिर इन चारों में से, सोचो सोचो सोचो, आंसर बताओ, व्हाट इज द करेक्ट आंसर. कैलकुलेट कर लिया, बहुत इजी है, ध्यान से देखो ऑप्शंस बता पाओगे. वेल यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बिकॉज मैंने आपको बताया था टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड, सिर्फ दो चीजें कर सकते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद सेम नंबर. सो ऑप्शन सी में हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को विद 2. एडिशन हम नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्शन भी नहीं कर सकते, पर मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं. याद रखना, ओनली मल्टीप्लाई और डिवाइड टू गेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ओनली. ठीक है, चल नेक्स्ट इज, इफ 3/4 इज इक्विवेलेंट टू एक्स बाय 10, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज डैश. अगर 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है x बाय 20, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपली क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है x अपॉन 20, तो x की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताओ, a b c d, 15 18 12 या नन ऑफ दीज. x की वैल्यू क्या होगी, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, व्हाट विल इट बी. वेल 4 × 5 होता है 20, तो 3 × 5 करना पड़ेगा हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने, तो 4 5 20, 3 5 व्हाट, 15, सो द एक्स वैल्यू विल बी
नथिंग बट 15। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 3 इंटू 20 अपॉन 4, 4 वन जा 4, 4 5 जा 20, 5 3 जा 15, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, तो एक्स की वैल्यू 15 आएगी, सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, 3 बाय 4 इज लेस देन 3 बाय 5, 3 बाय 4 इज ग्रेटर देन 3 बाय 5, एंड 3 बाय 4 एंड 3 बाय 5 कैन नॉट बी कंपेयर्ड। वेल ऑफकोर्स ऑप्शन सी तो करेक्ट नहीं है, आप लोग को पता होगा क्योंकि मैंने सिखाया है। अगर न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर इज सेम, सो डिनोमिनेटर डिटरमाइन करेगा कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है या फिर छोटा है। आंसर क्या होगा बच्चों, 3 बाय 5 इज ग्रेटर और 3 बाय 4 इज ग्रेटर, विच वन विल बी ग्रेटर, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन, सॉल्व करो। वेल यस, 3 अपॉन 4 इज ग्रेटर देन 3 अपॉन 5, मैंने क्या बताया था, अगर न्यूमरेटर सेम है सो स्मॉलर द डिनोमिनेटर ग्रेटर विल बी द फ्रैक्शन, जिसका होगा छोटा डिनोमिनेटर वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, सो 4 इज लेस देन 5, दैट इज व्हाई 3 बाय 4 इज ग्रेटर देन 3 बाय 5, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी बोला बिल्कुल सही बोला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 बाय 6 प्लस 2 बाय 3 माइनस 4 बाय 9 इज व्हाट, फाइंड एंड टेल द आंसर, 5 बाय 6 प्लस 2 बाय 3 माइनस 4 अपॉन 9, सॉल्व एंड टेल। एलसीएम फाइंड आउट करो, फिर सॉल्व करो, कैलकुलेट करो, आंसर बताओ, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 6, 3 एंड 9? वेल एलसीएम ऑफ 6, 3 एंड 9 इज नथिंग बट 18, तो पहले कन्वर्ट करना होगा, 5 बाय 6 विल बी हाउ मच, 5 बाय 6 विल बी 6, 3 इज 18, सो 5, 3 इज 15 अपॉन 18, 2 बाय 3 विल बी हाउ मच, 3, 6 इज 18, सो 2, 6 इज 12, एंड 4 बाय 9 विल बी 4, 2 इज 8, 9, 2 इज 18, अब आपको सब्ट्रैक्शन करना है, सो 15 प्लस 12 माइनस 8 अपॉन 18 कितना आएगा, 15 प्लस 12 होता है 27, 27 माइनस 8 अपॉन 18, 27 माइनस 8 होगा 19 अपॉन 18, सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो क्योंकि आंसर मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, सो 18 वन जो 18, रिमाइंडर बचा 1, डिनोमिनेटर 18, सो 1 1 बाय 18 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 1 1 बाय 18 इज द आंसर फॉर दिस सिंप्लीफिकेशन। बन गया सबसे, बहुत इजी क्वेश्चन है ना फ्रैक्शंस के, बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा, आई होप फ्रैक्शन सबको। सो गाइस दैट्स इट फॉर द चैप्टर फ्रैक्शंस, एंड यस ऑल माई न्यू स्टूडेंट्स, अगर आप हमसे कनेक्टेड रहना चाहते हो, मुझसे, मेरे सारे मैथमेटिशियन स्टूडेंट्स है, सो यू कैन डाउनलोड द टेलीग्राम ऐप एंड ज्वाइन आर टेलीग्राम ग्रुप वी मैथमेटिशियंस क्लास 6, लिंक फॉर ज्वाइनिंग दिस इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, इस वीडियो के नीचे जो भी लिखा हुआ आता है ना डिस्क्रिप्शन, वहां पे एक लिंक दिया है टेलीग्राम ग्रुप का, उस लिंक पे क्लिक करो, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, और मुझे आप सर्च कर सकते हो, मैं हूँ एडमिन उस ग्रुप पे, सो यू कैन इजिली फाइंड मी ओवर देयर, माई नेम इज सना खान एज यू ऑल नो। सो दैट्स इट बच्चों फॉर दिस सेशन, एंड येस वंस अगेन लेट मी रिमाइंड यू टू सब्सक्राइब टू वेदांतु प्रो, बच्चों बहुत सारे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं और फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन को टू गेट द मोस्ट अमेजिंग वे ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, राइट, सो गो फॉर इट, सब्सक्राइब टू इट क्विकली क्विकली, सो दैट आपकी पढ़ाई भी बिल्कुल कंप्लीट वे में और बेस्ट वे में हो सके, ठीक है बच्चों, सो जस्ट विजिट द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, एंड भूलना मत टू यूज द कूपन कोड SKPRO, 20% डिस्काउंट चाहिए ना भाई, ठीक है, सो डू यूज द कोड, एंड दैट्स इट मैथमेटिशियंस फॉर दिस सेशन, आई होप यू गाइज हैड फन, इफ यू हैड फन एंड डिड ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली एंड नाइसली, सो डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, thank you so much, see you tomorrow again at
2 PM. Bye guys. Bye bye.